अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैफ़े विलो, जो कि पहलगाम में पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत लोकेशन है। ये एक रिवर के ऊपर बना हुआ है और माशाल्लाह हमें तो बहुत पसंद आया और आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा क्योंकि व्यू इतने ख़ूबसूरत हैं यहाँ के। तो खैर, हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमें श्रीनगर के लिए निकलना था। अच्छा, फिर वही है कि लेट हो जाते और बच्चे भी साथ थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर क्योंकि ये एक तो रिवर के पास है और पहलगाम में मौसम भी बड़ा अच्छा, ठंडा, बहुत ही सुहाना मौसम पहलगाम में होता है। तो इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा रिवर के पास ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी ना, तो इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। और वैसे मेन मकसद हमारा यही था क्योंकि हमें श्रीनगर के लिए निकलना था, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए यहाँ पर। जैसे कि होता है कि बहुत हम रील्स बनाते हैं लेकिन इतना हमें टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि आजकल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि रील्स बनाएं बस। और ये देखिए, हुमा की फैमिली भी पैक हुई हुई है, हुमा भी खूब अच्छे से पैक हुई हुई है क्योंकि हवा भी चल रही है और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। इस लड़के को स्टाइल मारने से ही फुर्सत नहीं है। तो देखिए, ये है मेरे डियर हस्बैंड, इनके मैंने यहाँ पर रील्स भी बनाई, इंस्टाग्राम पर भी डाली जिसपे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो इनसे मिलिए वामिक। हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ठंड की वजह से बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हमें श्रीनगर के लिए भी निकलना है क्योंकि बस अब हमें यहीं पहलगाम में ही नहीं रहना है, श्रीनगर भी जाना है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी जगह देखनी है। तो बस मेरा ये कैफ़े व्लॉग का तो व्लॉग यहीं तक है, लेकिन मैं अभी आपको, मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम चलते हैं श्रीनगर। तो देखिए जी, यह है वेलकम ड्रिंक। तो हम आ गए हैं होटल में, सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अभी तो हम रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो भाई, सब लोग तैयार हैं मॉर्निंग में,
घूमने जाने के लिए हम सब लोग फ्रेश हो गए हैं, तैयार हैं सब। तो बस अब हमारा प्लान बना है लाल चौक जाने का, यानी घंटाघर है कश्मीर का। यानी हम वैसे तो लाल चौक के नाम से हमारे सहारनपुर में घंटाघर बोलते हैं ना, शारिक तो बहुत स्टाइल मार रहे हैं तो बस हम लाल चौक के लिए निकलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि लाल चौक कैसा है कश्मीर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा नाम है, हमने जब तक टीवी में न्यूज़ में सब में सुना था। तो चलिए आपको वहीं पर लेकर चलते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, पानी 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 पानी, एक बोतल देना भैया पानी, अभी एक मिनट भैया, चाय चाय पूरा देना भैया, लो भैया भैया चाय है आपके पास, अभी बन रही है चाय, अभी मैं आसाम जाएगा पत्ती तोड़ कर लाएगा। चलो हो गई। हम लोगों को कभी भी मज़ा नहीं आया कि हम अकेले कहीं भी घूमने के लिए जाएं। तो हम जब भी जाते हैं तो हम इकट्ठे ही प्लान करते हैं, और फैमिली के साथ जाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, बिल्कुल अलग होता है मज़ा फैमिली के साथ जाने का। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन लोगों में डांस चल रहा है, लेकिन कॉपीराइट के चलते मैं सॉन्ग को रिमूव मैंने कर दिया है। हम लोग तो इंजॉय कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आ ही रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। बस अल्लाह पाक ऐसे ही हम सबको ऐसे ही खुश रखे हमेशा, ऐसे ही हम हंसते खेलते और भी सफ़र करें और भी इंजॉय करें। अब शारिक के डांस को भी आप इंजॉय, सलमान का डांस ना हो हमारे सफ़र में ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ट्रिप हमारी ऐसी नहीं है जब सलमान ऐसा इंजॉय करते ना हो और कराते ना हो। हम लोगों को बहुत इंजॉय कराते हैं माशाल्लाह, देखिए वामिक के ठुमके भी देखिए आप। और मेरे इस व्लॉग को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और ये सब लोग शारिक को भी कह रहे हैं कि वो भी अपना टैलेंट दिखाएं। मैं सॉन्ग को साइलेंट पे कर दिया, क्योंकि मैंने इस वजह से सॉन्ग को साइलेंट पे किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना कि ये गूंगा डांस कर रहे हैं लोग लेकिन कोई नहीं, आप डांस को इंजॉय कीजिए, सॉन्ग आपको ऐसा भी अपने तरफ से कोई सभी सेलेक्ट कीजिए कि ये कौन सा सॉन्ग है, आप ये गैस कीजिए कि कौन से सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं लोग। लेकिन इंजॉय कीजिए आप मेरे व्लॉग को। मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहे मैं अपनी स्किल्स दिखा रहा हूं डांस की मानो मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो देखिए ये आ गए हैं हम लाल चौक, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, एंजॉय कीजिए। बाबू सब आगे जा रहे हैं, मैं झुम के नहीं देख सकती। अब मुझे तो खुद मैं ये सोच रही हूँ भाई थोड़ा ना मैं वो सब भाग रहे हैं तो मैं क्या करूँ भैया को, यहाँ नहीं मैं रिस्क ले सकती किसी भी चीज़ का। नहीं